हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं और पहले आप लोग इस क्वेश्चन को खुद देखिए और खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। पॉज कीजिए, हो गया सॉल्व हुआ नहीं हुआ तो देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड अपवर्ड बाय अ फोर्स 40 न्यूटन एज शोन इन फिगर। मतलब ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, 20 दिखा गया, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, ये 2 kg का है। अप्लाइड इज पुल्ड अपवर्ड बाय अ फोर्स, एक फोर्स लग रहा है जो इसको ऊपर की ओर खींच रहा है 40 न्यूटन का, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय 2 मीटर, मतलब ये ब्लॉक नीचे से ऊपर 2 मीटर ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, मतलब जो फोर्स लगा उसके द्वारा 40 न्यूटन फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, एंड ऑल्सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक, और फोर्स ग्रेविटी के कारण कितना वर्क हुआ, ग्रेविटी के फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ, वो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखते हैं पहले इसके द्वारा फोर्स मतलब कितना वर्क हुआ वो देखते हैं। इसके द्वारा वर्क कैसे निकालेंगे, वही एफ डॉट एस करके फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच फोर्स और ऊपर की ओर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर, उसके बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, सीधे हो जाएगा 40 × 2 = 80 न्यूटन। अब देखते हैं, एंड ऑल्सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक, मतलब ग्रेविटी के द्वारा, ग्रेविटी इसमें कितना लगेगा, 2 kg का है तो, और ग्रेविटी ये एक्सीलेशन ऑफ mg होता है, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg, g10 दिया हुआ है, मास 2 है, 20 न्यूटन, मतलब ग्रेविटी के द्वारा नीचे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, और ब्लॉक ऊपर की ओर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, इसको करने के लिए वर्क इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है, तो फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो एस आप ले लीजिए, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड 20, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर और कॉस 180, 40 × 20 और -1 यानी -40 जूल, ये न्यूटन नहीं होगा, यहाँ पे जूल होगा ना, यहाँ पे जूल होगा। ठीक है, तो -40 जूल होगा वो। अच्छा, फर्दर इम्प्रूवर्स हम लोग को आगे बढ़ा, मतलब आगे इम्प्रूव करने के लिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।